नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका स्वागत, अभिनंदन। जहां पर भी आप हैं, चाहे देश में हैं चाहे विदेश में हैं, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल खेल ग्रहों का। मैं आज हम बात कर रहे हैं बुध का सिंह राशि में गोचर की, चाहे छोटी सी अवधि में ही है, अतः सिर्फ और सिर्फ 14 दिन तक ही बुध सिंह राशि में रहेंगे। 26 अगस्त 2019 से 10 सितंबर 2019 तक यह जो 14 दिन का जो मेथड है, 14 दिन का टाइम पीरियड है, बुध सबसे ज़्यादा फास्ट चलने वाला ग्रह है। बुध कम्युनिकेशन का ग्रह है, इसलिए उसका प्रभाव भी बहुत विलक्षण होता है और बहुत ही जल्दी मिलता है। सारे ग्रहों में सिर्फ एक ही ग्रह ऐसा है जिसकी दशा लगते ही उसी दिन से आपको फल मिलने लगता है, जिस दिन गोचर में आता है उसी दिन से फल मिलने लगता है। बाकी सभी ग्रहों के अंदर किसी का प्रारंभ में फल मिलता है, किसी का मध्यकाल में फल मिलता है, किसी का अंतिम समय में फल मिलता है, तो यह सब कुछ भी है, लेकिन बुध के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं है। समस्त नवग्रहों में से एक बुध ग्रह को ही ज्योतिष शास्त्र में मिथुन और कन्या राशि का स्वामी माना गया है। इसके साथ ही साथ इसे भाषा, वाणी, बुद्धि, चेतना और व्यापार का कारक भी माना गया है। इसके अलावा बुध ग्रह सूचना, संचार, अनुसंधान, अर्थात जिसको ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, उससे रिलेटेड कोई रिसर्च है उससे रिलेटेड भी बुध ग्रह को ही माना जाता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में भी बुध की स्थिति उच्च की होती है, उसे इन सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है। और वैसे तो ज्योतिष शास्त्र में बुध को लाभकारी ग्रह माना गया है, अर्थात गेन देने वाला ग्रह माना गया है, लेकिन कभी कभी क्रूर ग्रहों के संपर्क में आने से इसके प्रभाव हानिकारक भी हो सकते हैं। हालांकि इस ग्रह की शांति के लिए बुध के उपाय भी करवाए जा सकते हैं। आपकी राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th भाव में जब जब भी गोचर का बुध आएगा, तब तब वो शुभ फल ही देगा। और यदि इसके साथ में ही, जिसे एक मेथड बोलते हैं ग्रहों का वेद, तो 5th हाउस में, 3rd हाउस में, 9th हाउस में, 1st हाउस में, 8th हाउस में और 12th हाउस में जो मैंने सीक्वेंस बताई थी स्टार्टिंग में, उसी सीक्वेंस में यदि देखा जाएगा, जैसे 2nd हाउस में बुध है तो 5th हाउस में कोई ग्रह चंद्रमा के अलावा नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध का चंद्रमा को वेद नहीं लगता है। तो 5th, 3rd, 9th, 1st, 8th और 12th हाउस में चंद्रमा के अलावा कोई ग्रह नहीं हो, तब बुध का फल आपको 100% पॉजिटिव मिलेगा, और नहीं तो उस बुध का फल जो भी मिलेगा उसमें कमी आ जाएगी। बुध का गोचर हर राशि में लगभग एक महीने के लिए होता है, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी आ जाती है कि सबसे कम समय तक भी, अर्थात सिर्फ 14 दिन तक भी बुध की यह स्थिति सिंह राशि में बनी है। क्या आप जानते हैं कि बुध ग्रह के प्रभाव क्या क्या होंगे? हिंदू ज्योतिष में, जिसको वैदिक ज्योतिष कहा गया है, बुध ग्रह का सीधा संबंध बुद्धि से है, इसलिए इसे बुद्धि और वाणी का कारक ग्रह कहा गया है। नवग्रहों में बुध को राजकुमार की उपाधि दी गई है, अतः युवराज है ये। बुध देवता कम्युनिकेशन, आर्ग्यूमेंट और तर्क शक्ति, व्यापार और वाणिज्य के कारक माने जाते हैं। ये देखा गया है कि बुध ग्रह के प्रभाव वाले जातक बुद्धिमान और स्वभाव से अधिक बोलने वाले होते हैं, अर्थात टॉकेटिव ज़्यादा होते हैं, बातूनी ज़्यादा होते हैं। ये कन्या राशि में जहाँ उच्च भाव में स्थित होते हैं, तो वहाँ मीन राशि में नीच भाव में स्थित होते हैं। अर्थात बुध की जो उच्च की राशि है, मोस्ट पॉजिटिव है, वो कन्या राशि है, और नेगेटिव राशि है वो मीन राशि है। इसके साथ ही साथ बुध सूर्य और शुक्र के साथ में मित्रता रखते हैं, लेकिन चंद्रमा के साथ में इनकी शत्रुता रहती है। अन्य ग्रहों के साथ उनका भाव तटस्थ रहता है, अर्थात क्रूर ग्रहों के साथ में क्रूर हो जाते हैं, जो अच्छे ग्रह शुभ ग्रह उनके साथ में शुभ फल देने लगते हैं। दूसरे भावों और अन्य ग्रहों पर से गुजरता हुआ बुध न केवल शक्तिशाली संकेत देता है, बल्कि मानसिक एकाग्रता, अर्थात कंसंट्रेशन और प्राथमिकताओं में आए परिवर्तन को भी दर्शाता है। बुध इसके गोचर के दौरान हुए संचार संप्रेषण की ओर इशारा करता है। यदि बुध जन्म कुंडली या गोचर में पाप प्रभाव में नहीं है, तो यह तार्किक बुद्धि, विचारों की स्पष्टता देता है, अर्थात एकदम क्लियरिटी देता है। वक्री बुध के समय हुई घटनाएं आशा के विरुद्ध पलट जाती है, अर्थात वक्री बुध जब जब भी होगा, तब जो घटनाएं होगी वो अनएक्सपेक्टेड ही होगी, अर्थात अचानक ही घटनाएं घटेंगी। आपकी राशि लग्न से, अर्थात आपकी राशि से 2nd, 4th, 6th, 8th, 10th और 11th भाव में जब जब भी बुध गोचरवश आएगा, तब तब शुभ फल ही देगा, शेष भाव में वह सामान्य या अशुभ फल देगा। 26 अगस्त से 26 अगस्त टू 10 सितंबर 2019 तक बुध का सिंह राशि में गोचर आपको क्या परिणाम देगा, क्या पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, आपको ठीक गेन देगा या कोई को बीमारी देगा, या आपको
कोई उनको कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर प्रॉब्लम दे सकता है, एजुकेशन स्टाइल में कोई नेगेटिविटी आ सकती है। देखिए आपकी राशि से अर्थात मेष राशि से मीन राशि तक उसका क्या प्रभाव मिलने वाला है, क्या इम्पैक्ट आपको मिलने वाला है, पॉजिटिव या नेगेटिव। यदि इसका इम्पैक्ट नेगेटिव है तो आपको बुध ग्रह से रिलेटेड कोई ना कोई उपाय जरूर करने हैं, और पॉजिटिव है तो आप उपाय करके और पॉजिटिवनेस ले सकते हैं, अर्थात और अच्छा और स्पीड में उस ग्रह का फायदा लेना है तो उसके भी उपाय वही करने पड़ेंगे जो अशुभ ग्रह के उपाय होंगे। अर्थात अशुभ बुध के जो उपाय करेंगे वही शुभता के लिए और ज़्यादा शुभता के लिए और ज़्यादा बेटर के लिए और ज़्यादा बेनिफिट के लिए वही उपाय आप कर सकते हैं। आरंभ करते हैं फर्स्ट राशि से, मेष राशि से। आपकी राशि से फिफ्थ हाउस में गोचर का बुध कुछ शुभ फल नहीं देगा। फिफ्थ हाउस के स्वामी पंचम भाव के स्वामी द्वारा अर्थात पंचम भाव के द्वारा हमारी शिक्षा, संतान, प्रेम संबंध, रोमांस, बुद्धि और विवेक तथा हमारे रुझान का, रुचि का, हमारे इंटरेस्ट का, हमारी हॉबी का पता चलता है। इस गोचर के प्रभाव से मानसिक पीड़ा तो होती है लेकिन आपको बौद्धिक लाभ की प्राप्ति के साथ ही साथ बुद्धि और ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी, वृद्धि होगी। इस दौरान आपकी सामाजिक सक्रियता बढ़ जाएगी और आप नए लोगों के संपर्क में आएंगे। दुर्भाग्यवश योजनाओं पर किया गया परिश्रम, मेहनत सफल नहीं होगी। महत्वपूर्ण कार्य स्थगित हो सकते हैं, ठीक है, कोई कोई ये बोल लिंगर ऑन हो सकते हैं, लेट लतीफी आ सकती है। अपने ही कामों के कारण, अपने ही कार्यों के कारण आप लोगों के दुश्मन बन जाएंगे, अर्थात दुश्मनी पनपने लगेगी। व्यर्थ की यात्राएं करेंगे, जिसका कोई उद्देश्य नहीं, जिसका कोई मोटिव नहीं है, वो भी आप ट्रैवलिंग करेंगे, क्योंकि अपने आप को बिजी रखने के लिए, अपने आप को दर्शाने के लिए कि आपके पास में काम ज़्यादा है, तो इस यात्राओं का आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। हो सकता है कोई आपदा का अनुभव आपको हो जाए, अर्थात कोई मुसीबत आपके गले पड़ सकती है। अब संतान और अपनी पत्नी अर्थात जीवन साथी के साथ में लड़े झगड़ा हो सकता है, मनमुटाव हो सकता है, अपने संतान के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, विशेषकर पुत्र के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आपकी माता की बीमारी से आपकी चिंता बढ़ेगी। शारीरिक परेशानी, एक्ने अर्थात जो पिंपल्स वगैरह होते हैं, एक्ने होते हैं दाग और मुंह से, और इसके साथ में एक लेजीनेस और एक और चीज़ जिसको आप बोलते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ या पौरुषता या मर्दानगी, उसकी कमी से भी आप दुखी हो सकते हैं। पद की हानि, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन और मानसिक विषाद के साथ में परेशानी भी रहेगी। आर्थिक स्थिति अर्थात फाइनेंशियल स्ट्रेंथ देखी जाए तो आर्थिक स्थिति में कुछ वृद्धि हो सकती है, लेकिन इसके अलावा इस दौरान आपका रुझान धार्मिक किताबों को पढ़ने में, धार्मिक कार्यों में, कोई राइटिंग में या स्पीच देने की तरफ हो सकता है। आर्थिक स्तर पर लाभ प्राप्त करने के लिए यदि आप शेयर मार्केट में निवेश करने की सोच रहे हैं, स्पेकुलेशन में यदि इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो इससे आपको विशेष लाभ मिल सकता है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि आप उसकी कैलकुलेशन कर दें, सोच विचार करके उसके बाद में डिसीजन लें तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इस गोचर काल में आपकी रुचि विशेष रूप से नई चीज़ों की जानकारी लेने अर्थात कुछ न कुछ नया सीखने की ओर हो सकती है। स्टूडेंट के लिए गोचर की अवधि खासतौर से लाभदायक साबित होने वाली है, अर्थात जो कुछ भी वो एफर्ट करने वाले हैं, ठीक है, चाहे वो एफर्ट कोई इंटरव्यू देने के लिए हो सकते हैं, कंपटीशन के लिए हो सकते हैं, एडमिशन के लिए हो सकते हैं, तो वो आपको सक्सेस मिलेगी अर्थात उसमें आपको गेन होने वाला है। जो स्टूडेंट मैथमेटिक्स के हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको लाभ अधिक मिलेगा या उनको फ़ायदा ठीक अधिक मिलेगा, सक्सेस उनको ज़्यादा मिलेगी। यदि आप विवाहित हैं तो इस दौरान आपके जीवन साथी को अपने काम में, जो भी उनकी नौकरी, जो भी उनका कैरियर है, उसमें कोई खास उपलब्धि, कोई मेजर अचीवमेंट उनको हो सकता है। और यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, यदि आप रोमांस में हैं, यदि आप कोई अटैचमेंट में हैं, कोई अफेयर में हैं, तो इस अवधि के दौरान आपका प्रेम विवाह होने की संभावना भी बन सकती है। और यदि आप चाहें तो इस दौरान अपने पार्टनर को परिवार वालों से मिला सकते हैं, बात आगे बढ़ सकती है। तो इस बुध के कुछ न कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी मैंने बताए, उसके लिए आप क्या करेंगे। अनिष्ट बुध की शांति के लिए सर्वोत्तम उपाय है बुध मंत्र के जाप, और सेकंड उपाय है नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, या तो करना है या सुनना है। तो आज की तारीख में टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि आप अपने मोबाइल के अंदर उसको डाउनलोड कर दीजिए और जो ईयरफोन है, ईयरफोन के माध्यम से आप निरंतर सुन सकते हैं या जब भी आपको समय मिले तो सुने, लेकिन पाठ करना आपको हील करेगा। जब भी हम कोई पाठ करते हैं, जाप करते हैं, तो हमारी खुद की फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, हमारे सिक्स सेंस और इंट्यूशन पावर में इम्प्रूवमेंट आता है, इसलिए कोई भी जाप करते हैं उससे फ़ायदा ज़्यादा मिलेगा। अब बात करते हैं वृष राशि की। आपकी राशि से फोर्थ हाउस में गोचर का बुध आपको बहुत पॉजिटिव फल देगा। इस भाव के द्वारा जीवन के सभी प्रकार के सुख और सुविधाओं का आकलन किया जाता है। बुध का यह गोचर
आपके पारिवारिक जीवन के लिए, फैमिली लाइफ के लिए खास तौर से पॉजिटिव रहेगा। फाइनेंशियली गेन होगा। आप द्वारा माँ का सम्मान और सेवा पाने से आपकी मदर प्रसन्न रहेगी, सुखी होगी। और यौं भी बुध के लिए अपनी बुआ, अपनी बहन, अपनी माता, जो भी लेडीज़ हैं आपके घर में, जो भी लेडीज़ हैं, उनको यदि आप खुश रखें, उनको प्रसन्न करें, उनका आशीर्वाद लेते रहें, तो बुध का सबसे ज़्यादा अच्छा फल, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव स्ट्रेंथ उसकी मिलती है। चाहे बुध कितना भी नेगेटिव हो, लेकिन यदि आप छोटे छोटे ये उपाय अपना लें तो बुध आपको नेगेटिविटी ज़्यादा नहीं दे पाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। घरेलू जीवन का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। जो व्यक्ति प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, नया घर खरीदना चाहते हैं, उनके लिए समय सही है। अपना आप कोई ना कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, जमीन जायदाद में वृद्धि होगी, और ये जो घर खरीदने वाली स्ट्रेंथ है उसको आपको नया घर मिलना तय है। हो सकता है कुछ व्यक्तियों के पास में ऑलरेडी घर हो तो वो व्हीकल खरीद सकते हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का आनंद आपको मिलेगा। घर में पारिवारिक शांति महसूस होगी। अनएक्सपेक्टेड गेन की भी संभावना है, अर्थात कोई ना कोई आकस्मिक धन प्राप्ति आपको हो सकती है। अच्छे विद्वानों, समाज के भद्र पुरुषों या उच्च अधिकारियों से आपकी मित्रता बढ़ेगी। योजनाओं में सफलता मिलेगी, और जो कुछ भी समाज के गणमान्य व्यक्ति हैं उनके साथ में सर्कल में आने से आपका भी समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, स्वाभिमान और बल की आपको प्राप्ति होगी, और आपका फेम भी बढ़ेगा, आपकी प्रशंसा भी होगी। यदि जो व्यक्ति नई नौकरी की तलाश में है, अर्थात या तो जॉब नहीं है या फिर जो जॉब कर रहे हैं उसमें बहुत परेशान है, तो नई नौकरी की तलाश है, तो आपकी इच्छा इस समय काल में पूरी हो सकती है, 26 अगस्त से लगा करके 10 सितंबर के बीच में। मानसिक शांति और एजुकेशन में आपको सक्सेस मिलेगी। ठीक प्रेम जीवन में, अर्थात जो रोमांटिक लाइफ है उसमें कुछ मतभेदों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन फिर भी प्रेम में कोई कमी नहीं आएगी, स्नेह में, अपनत्व में कोई कमी नहीं आएगी। ये सब टेम्परेरी मन मुटाव है जो बहुत जल्दी निकल जाएगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में गोचर का बुध प्रवेश करेगा, इससे आपको मिक्स रिजल्ट मिलेंगे। इस भाव से हमारे भाई बहनों को, उनके साथ हमारे संबंधों को देखा जाता है, अर्थात इस भाव से इस बारे में जानकारी ली जाती है। इसके अतिरिक्त हमारे जो परिश्रम, मेहनत है, हमारा इंटरेस्ट, हॉबीज़, रुचि, छोटे भाई बहनों या छोटे दूरी की जो यात्राएं होती है, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग जिसको बोलते हैं, इस भाव के द्वारा देखी जाती है। इस समय काल में व्यक्ति को भयभीत होकर के रहना पड़ता है, उसके साहस में, कॉन्फिडेंस में कमी आ जाती है, और जातक भय के कारण इधर इधर भागता फिरता है, छुपता फिरता है। बंधुजनों से अथवा संबंधियों से, जो भी अपने परिवार वाले हैं, खानदान वाले हैं, उनके साथ में उसका लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और उसके साथ में पैसे की हानि हो जाएगी, अर्थात फाइनेंशियल गेन की जगह फाइनेंशियल लॉस देखने को मिल सकता है। ऐसे ही समय में, अर्थात बुध के इस गोचर में, सिंह राशि में जो बुध का गोचर है उसमें सामान की चोरी हो सकती है, संपत्ति का नुकसान हो सकता है, सभी तरह की अर्थात नाना प्रकार की विपत्तियों का सामना करना पड़ेगा, और इस सामना करने से दुर्दशा वाली स्थिति आ जाती है, और किन्हीं किन्हीं व्यक्तियों को राजकोप या कारावास का डर भी सताता है, अर्थात गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई पनिशमेंट या कस्टडी में लेने वाली जो स्थिति हो सकती है उसका डर भी आपको सताएगा। जो आपके संबंधी हैं उनसे शत्रुता हो सकती है, जो मेमोरी है वो बहुत कम हो जाएगी, अर्थात याददाश्त आपकी बहुत कम हो जाएगी, और हो सकता है मानसिक बीमारी जैसी स्थिति आ जाए। सरकार और अधिकारियों द्वारा आपको परेशानी मिलेगी। बुध का ये गोचर आपके पारिवारिक जीवन में नेगेटिविटी का प्रभाव ला सकता है। इस दौरान आपकी मदर की हेल्थ में कुछ डाउनफॉल, गिरावट आ सकती है, उससे आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन उनका विशेष ख्याल आपको रखना चाहिए। आपके भाई बहनों के लिए गोचर का लाभकारी साबित होगा, उनके किसी काम में आप भी अपनी ठीक हेल्प दे सकते हैं, मदद दे सकते हैं। ठीक नए नए मित्रों की प्राप्ति ये समय काल करवाएगा, और यदि आप विवाहित हैं तो बुध के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन साथी को सामाजिक रूप से तरक्की होती होगी, अर्थात उनकी सोशल लाइफ में इम्प्रूवमेंट आएगा, उनका नेम फेम कुछ हो सकता है, और इसका लाभ आपको भी मिलेगा। जो आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो आपका कैरियर प्लेसमेंट है, उनमें आपको काफ़ी लाभ मिल सकता है, और आपके काम करने की क्षमता, आपकी काबिलियत, आपके हुनर में इम्प्रूवमेंट आएगा, वृद्धि होगी, और जो भी आपका वर्किंग प्लेटफॉर्म है उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, उसमें आप अच्छा इम्प्रूव कर पाएंगे। इस गोचर काल के दौरान आपकी भाषा शैली में काफ़ी निखार आ जाएगा, जिसका लाभ आपको जीवन के हर क्षेत्र में मिल सकता है। ठीक यदि किसी ट्रिप में जाने का प्लान बना रहे हैं तो वो बहुत रोमांटिक होगी, बहुत यादगार हो सकती है। आपको जो उपाय करने हैं वो
बुध पीड़ा की विशेष शांति के लिए आपने ये चीज नोट कर लेनी है, हरड़, गोमय, चावल, गोरोचन, सोना, आंवला और शहद, ये सब मिला करके 7 बुधवार तक स्नान करना है। जो वैल्यूबल थिंग्स है उसको वापस आपने घर में रख लेना है, जैसे आंवला है, आंवला को तो आप वापस यूज़ कर सकते हैं, सोने को वापस यूज़ कर सकते हैं, जो चावल है वो बहुत कम संख्या में, उनको जाने दीजिए, जो वापस रीयूज हो सकती है उसको संभाल कर रखना है, बाकी चीज़ों का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में गोचर का बुध शुभ फल प्रदान करेगा, अर्थात बहुत पॉजिटिव रहेगा। सेकंड हाउस यह भाव हमारी वाणी का भाव कहा गया है, इस भाव के द्वारा हमारा कुटुंब, हमारा खानदान, हमारी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, संचित धन, हमारा मुंह, हमारा भोजन और हमारी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जाना जा सकता है। बुध के इस गोचर से आनंद की वृद्धि होगी, धन और स्वास्थ्य में खुशहाली आएगी। जो शैक्षिक कार्य आता है, एजुकेशनल जो भी वर्किंग है, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। स्पिरिचुअल लाइन और जो भी कम्युनिकेशन स्किल है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ है, लॉजिकल जो स्ट्रेंथ है, उसमें आपको इम्प्रूवमेंट आएगा। उचित व्यवहार, व्यापार का विस्तार और विश्वसनीय मित्रता, नई योजनाओं में सफलता आपको मिलेगी इस गोचर काल में। आर्थिक स्तर पर देखा जाए, फाइनेंशियल पोजिशन, इस गोचर अवधि में आपको अपने भाई बहनों से आर्थिक लाभ मिलेगा। सगे संबंधियों से धन की प्राप्ति हो सकती है, यदि आपने कुछ उधार दिया हुआ है तो भी वो वापस मिल सकता है। धन आभूषणों की प्राप्ति आपको हो सकती है, अर्थात इन्वेस्टमेंट में आप जो भी ज्वेलरी है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपकी भाषण शक्ति आता है, स्पीच जिसको बोलते हैं, स्पीच में मनुष्य अच्छा धन प्राप्त करेगा, अर्थात व्यक्ति जो बोल बोल कर कमाते हैं, जिसका काम ही प्रोफेशन यही है कि उसको स्पीच देनी है, कहीं ना कहीं उसको ट्रेनिंग देनी है, कुछ भी बोल करके उनको समझाना है, ऐसी स्थिति में भी आप गेन प्राप्त करेंगे। किसी अनजान स्रोत अर्थात सीक्रेट रिसोर्सेज से भी आपको गेन प्राप्त होगा। व्यापार में जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, उनको फॉरेन से उनको गेन हो सकता है, अर्थात कोई ना कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से उनको गेन हो सकता है। जो रिसोर्सेज है वो एब्रॉड से रिसोर्सेज उनको मिल सकते हैं फाइनेंशियल गेन के। एजुकेशन में प्रोग्रेस होगी, और जहाँ तक आपके वर्किंग एनवायरमेंट की बात है, कैरियर स्ट्रेंथ की बात है, तो यह अवधि, यह जो टाइम पीरियड 14 दिन का टाइम पीरियड है, आपको अपने वर्किंग एनवायरमेंट में सक्सेस दिला सकता है। इस दौरान आपके हाथ में जो भी प्रोजेक्ट होगा, जो भी काम होगा, वो आप आसानी से निपटा लेंगे और आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। यदि आप विवाहित हैं, मैरिड हैं, तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी जीवन साथी की सेहत को लेकर परेशान रहेंगे, या फिर उनके साथ किसी बात को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा अपमान, अवमानना, दुर्दशा, या आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकते हैं, फाल्स एलिगेशन का शिकार हो सकते हैं, या आपके खिलाफ कोई चुगली कर सकता है, इसका आपने ध्यान देना है। आइए अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में गोचर का बुध प्रवेश करेगा, यह आपको शुभ फल नहीं देगा, मिक्स रिजल्ट ही देगा। फर्स्ट हाउस से हमारा शरीर, शारीरिक रंग, रूप और बनावट, समाज में हमारा फेस, हमारा चेहरा, हमारा दिमाग, हमारा मान सम्मान और हमारी हेल्थ को देखा जाता है। फर्स्ट हाउस में बुध के इस गोचर के दौरान आपकी सेहत में गिरावट आ सकती है। शारीरिक रूप से फिजिकली आप एसिड, साथ में जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर वीकनेस, और साथ साथ में शरीर में जलन से आप पीड़ित हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। जो भी करप्ट लोग हैं वो आपकी संपत्ति हड़प कर सकते हैं या छीनने का प्रयास कर सकते हैं, इससे आपको लॉसेज होने का योग है। लेकिन इसी गोचर के दौरान आपको किसी फॉरेन रिसोर्सेज से जबरदस्त अनएक्सपेक्टेड गेन की संभावना भी है। आपका समय या तो लोगों की चुगलखोरी को वापस स्पष्टीकरण देने में, अथवा क्लेरिफिकेशन करने में आपका समय व्यतीत हो सकता है। इसको, समय को वेस्ट नहीं करना है, उसको प्रोडक्टिव काम में लगाइए, तब आपको ये नेगेटिव टाइम है इसमें से भी निकलने में सहायता मिल सकती है। आप कुछ ऐसे शब्दों का यूज़ कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं, जिससे लड़ाई झगड़ा हो सकता है, और कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, एक ही बात होती है, लॉसेज ही होते हैं, और इस लॉसेज, इस लड़ाई झगड़े की वजह से हो सकता है पुलिस केस हो जाए, कोई मुकदमेबाजी हो जाए, कोई कस्टडी हो जाए, क्योंकि आज के समय में आपने किसी भी स्त्री को थोड़ा सा भी कुछ बोला तो वो
आपकी ज़िंदगी को ख़राब कर सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम कर सकती है। इसलिए अपने आप पर कंट्रोल रखिए, अपनी जो भी सीमा है उसको मत लांघिए, जो भी आपकी वोकेबुलरी है, जो भी आपकी जबान है उसको सही रखिए, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके लिए बहुत बड़ा परिणाम दे सकती है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा तांडव मचा सकती है। लोग आपका आदर सत्कार नहीं करेंगे, संबंधियों से भी आपको हानि या संबंधियों से शत्रुता हो सकती है, हर जगह हो सकता है बेइज्जती हो जाए या आपको उतना मान सम्मान नहीं मिल पाए। ये आपने ध्यान रखना है कि समय जब ख़राब होता है तब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ देते हैं, साइड में खड़े हो जाते हैं। तो समय वीक है, तो समय वीक टेम्परेरी ही रहता है, इसको परमानेंट में नहीं लेना है। आज खराब है, वापस कल अच्छा ही होने वाला है, और अब देखिएगा 10 सितंबर के बाद में वापस आपका समय अच्छा आने वाला है। मन में घबराहट, एंग्जाइटी, मन की अस्थिरता, अनस्टेबिलिटी, विचारों में परिवर्तन, सब तरफ से आप परेशान होने लगेंगे। और यदि आप शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो इस गोचर की अवधि में आप अपने जीवन के साथ में किसी बात पर गंभीर मतभेद कर सकते हैं, हो सकता है अलगाव जैसी स्थिति आ जाए, लेकिन उसको आपने टालना है। अर्थात ये टेम्प्रेरी है, उस टेम्प्रेरी फेज को कुछ ऐसा मत करिए कि वो परमानेंट में बदल जाए। इसके साथ ही साथ यदि आप कोई अफेयर में है, यदि आप प्रेम लाइफ में हैं, तो आपको अपने माता पिता से, अपने पार्टनर को मिलवाने से बचना चाहिए, अन्यथा जो अच्छा होने वाला है उसकी जगह खराब हो सकता है। एजुकेशन में ऑब्स्टिकल्स आएंगे। नौकरी पैसा लोगों के लिए एक गोचर का समय कुछ लाभदायक साबित हो सकता है, लेकिन उसके लिए एफर्ट बहुत ज़बरदस्त करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर रिजल्ट कुछ पॉजिटिव मिल सकता है। अब इसके लिए उपाय क्या करें, तो आपको रोजाना शालिग्राम की पूजा करनी है और शालिग्राम भगवान पर तुलसी पत्र चढ़ाना है, वो तुलसी पत्र का आपने सेवन करना है। सेकंड उपाय है, आपने गणपति का मंत्र जाप करना है, और बहुत छोटा सा मंत्र है, बहुत प्यारा सा मंत्र है, ओम गंग गणपते नमः। इतना भर करने से जब भी आपको समय हो, जब भी आप गाड़ी चला रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, आप इस मंत्र को जाप करते हुए अपना टाइम लें। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी, आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा और आपको कुछ नेगेटिव होने से पहले आभास हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं कन्या राशि की। आपकी राशि से 12वें भाव में आता है, 12th हाउस में गोचर का बुध कुछ शुभ फल नहीं देगा। यह भाव हमारा हानि, लॉसेज और एक्सपेंसेस का भाव कहलाता है। पारिवारिक अशांति, धन की हानि, ठीक, बिना फालतू की चिंताएं, या ये बोलते हैं दिमाग में चिंताएं और परेशानी, उदासी, ये नेगेटिविटी, इस टाइप के दुष्परिणाम जो कुछ भी है वो 12th हाउस से देखे जाते हैं। इस गोचर का हानिकारक प्रभाव आपकी सेहत पर भी पड़ सकता है, और इस दौरान अपनी सेहत का आपको विशेष ध्यान रखना है। कोई कोई जातक को लकवा, जोड़ों का दर्द, पाँव में चोट, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, या अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। इसलिए हेल्थ के ऊपर आपने ज़्यादा कंसर्न रखना है, ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके मित्र और रिश्तेदार द्वारा जो भी पैसा उन्होंने उधार लिया है वो वापस नहीं देने पर अपमान, बेइज्जती या विवाद जैसी संभावनाएं ज़्यादा प्रबल है, इसका आप ध्यान रखिएगा। जो भी गुप्त शत्रु हैं वो गंभीर विपत्ति आपको दे सकते हैं, वहीं कोई गलत गवाही देने के कारण आपको न्यायिक मामलों की उलझन से भी परेशान होना पड़ सकता है। व्यापार आरंभ करने के लिए यदि कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए कोई लोन लेना है, वो मुश्किल होगा, अर्थात लोन मिल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन है। और जो जातक पहले से ही बिजनेस कर रहे हैं उन्हें नुकसान होना संभव है, इसलिए जो कुछ भी डील है, जो कुछ भी वो एग्रीमेंट करें, उसमें वो बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के ही आगे बढ़ें। फाइनेंस संबंधी जो भी परेशानियाँ, उसके साथ साथ में मेंटल हैरेसमेंट में भी जुड़ जाना संभव है, अर्थात जो फाइनेंशियल टेंशन है उसके साथ मेंटल टेंशन भी आएंगे। जीवन के हर क्षेत्र में ऑब्स्टिकल्स, गवर्नमेंट सेक्टर से और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से मन मुटाव हो सकता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। जो भी आपका वर्किंग एनवायरनमेंट है, जो काम है, या आपका ऑफिस है, वहाँ से आपको कोई ना कोई मेंटल टेंशन मिल सकता है। और हालांकि जो भी आपका ऑफिस है वहाँ पर जो भी चुनौतियाँ आएंगी उनसे आप सूझबूझ से निपट जाएंगे, उससे आप आसानी से बाहर निकल जाएंगे, यह मैं विश्वास दिला सकता हूँ। अगर आप मैरिड हैं तो इस गोचर काल के दौरान आप अपने जीवनसाथी के साथ में कुछ न कुछ परेशानी को लेकर के डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन उनकी सेहत का आपको खास तौर से ध्यान रखना है, वरना आप जो मनमुटाव है, जो कुछ भी आपकी गलतफहमियां हैं, उसके साथ साथ में हेल्थ प्रॉब्लम में भी और परेशान हो सकते हैं। मित्रों और रिश्तेदारों के साथ में गलतफहमी हो सकती है। इस गोचर
इस गोचर के दौरान आपको विशेष रूप से विदेश यात्रा का लाभ प्राप्त हो सकता है। अर्थात कोई फॉरेन ट्रिप का अगर ट्राई कर रहे हैं या कोई ऐसा आपको योग है तो आपको जरूर उस चीज़ को पकड़ना चाहिए, ग्रैब करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा गेन होने वाला है। जो उपाय है उस उपाय के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र या राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना आपको सबसे ज़्यादा शुभ रहेगा। यह स्तोत्र का पाठ करके आपको जो नेगेटिव प्रभाव है गोचर का, जो सिर्फ 14 दिन का है, फिर भी आपको उसमें राहत मिल सकती है। आइए अगली राशि के बारे में बात करते हैं, तुला राशि। आपकी राशि से 11th हाउस में गोचर का बुध सबसे ज़्यादा फायदेमंद रहेगा, सर्वश्रेष्ठ शुभ फल प्रदान करेगा, क्योंकि 11th हाउस का मतलब गेन है, एप्रिसिएशन है, वृद्धि है। एकादश भाव वृद्धि का स्थान है। इस भाव के द्वारा हमारे बड़े भाई या बड़ी बहन, ठीक, जो भी आपके जो आपसे बड़े अधिकारी हैं या ऑफिसर्स हैं, उनकी जो आपके एम्बिशंस है या जो रिसोर्सेज ऑफ इनकम है, इन सब का पता इस हाउस से लगता है। बुध के इस गोचर से आपकी अच्छी सेहत, ठीक, फिजिकल फैसिलिटीज़, आपका रिलैक्सेशन, आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ में अच्छे संबंध, और जो भी परिवार है उसमें खुशी, आनंद और जो भी प्लेजर है उस चीज़ की वृद्धि होगी। इस गोचर के दौरान आप सामाजिक रूप से काफ़ी सक्रिय हो जाएंगे, काफ़ी एक्टिव हो जाएंगे, आपके नए दोस्त भी बनेंगे, और अपनी भाषा की वजह से, अपनी स्टाइल की वजह से आप दूसरों पर अपना प्रभाव डालने में सफल रहेंगे। आपके करीबी, आपके नियर डियर आपकी बातों से प्रभावित होंगे और आपके बताए रास्ते पर भी चलेंगे। सुखी वैवाहिक जीवन, संतान प्राप्ति की संभावना है। शुभ कार्यों में अर्थात पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपकी इतनी बढ़ जाएगी, जो भी काम करेंगे वो पॉजिटिविटी ही के साथ में ही करेंगे। और जो ऑफिस की बात करें तो इस समय आपको कुछ चुनौतियों का सामना जरूर करना पड़ेगा, लेकिन आप अपनी लगन के बल पर, अपनी मेहनत के बल पर इस स्थिति से निकल पाने में सफल रहेंगे। यदि आप बिजनेसमैन है, व्यापारी है, तो आपके लिए बुध के इस गोचर की अवधि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सिर्फ 14 दिन है, लेकिन 14 दिन में ही अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। हो सकता है आपको कुछ महीनों की कमाई सिर्फ इन 14 दिन में हो जाए। इसलिए अपना जो दिमाग की खिड़की दरवाजे वो खोलिए, जो कुछ भी परिस्थितियाँ मिल सकती है गेन की, पैसा कमाने की, उन पर झपट पड़िए। यदि आप ऑटोमोबाइल या कपड़े के बिजनेस में हैं तो आपके लिए टाइम पीरियड सबसे ज़्यादा अच्छा है। और यदि आप किसी मीडिया चैनल, जो भी जो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़े हुए हैं, तो इसका गोचर आपके लिए काफ़ी बेटर, काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जिस विजय की, जिस सक्सेस की तलाश आपको काफ़ी समय से थी, वो सक्सेस आपको इस समय के दौरान मिलने वाली है। इस गोचर काल के दौरान, इस समय काल के दौरान आपकी आय में वृद्धि होगी और किसी गुप्त स्त्रोत्र, सीक्रेट रिसोर्सेज से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। आर्थिक स्तर पर देखें, इस दौरान आपकी सूझबूझ, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, आपका इंटेलेक्चुअल, आपका कम्युनिकेशन पावर, इसके आधार पर आप फाइनेंशियल गेन करेंगे। जो भी अपोजिट सेक्स वाले हैं उनसे आपको खुशी, उनसे आपको कोई न कोई विनोद प्रियता का मतलब हंसी मजाक और खुशहाल जीवन प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह जो गोचर का काल है वो बहुत फायदेमंद है, बहुत पॉजिटिव है। आइए बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध का ये गोचर आपकी राशि से 10th हाउस में आएगा और 10th हाउस में, 10th हाउस को कर्म भाव भी कहा जाता है, यहाँ पर ये शुभ फल देगा। 10th हाउस से आपका प्रोफेशन निर्धारित होता है, इस भाव से पिता का सुख और उनके साथ में रिश्तों को जाना जाता है। इस गोचर से आपको किसी नए पद, नए पोस्ट की प्राप्ति हो सकती है, आपके बिजनेस में उन्नति हो सकती है, फाइनेंशियल गेन हो सकता है। मानसिक और पारिवारिक सुख शांति के साथ साथ में उत्तम ग्रस्त सुख अर्थात जो दाम्पत्य सुख है वो भी आपको बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है और आपकी लाइफस्टाइल में इम्प्रूवमेंट आएगा। शिक्षा में, एजुकेशन में जो गणित से संबंधित जो स्टूडेंट हैं उनको सबसे अच्छी स्ट्रेंथ हासिल होगी, सबसे ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। और जो अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी हैं उनको भी स्पेशल सक्सेस अर्थात अनएक्सपेक्टेड सक्सेस की स्थिति है। इसलिए आप जो मैंने दो सेक्टर बोले हैं उनके विद्यार्थियों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आपको अनएक्सपेक्टेड गेन का मौका मिलेगा, उस मौके को आपने अच्छे ढंग से कैच करना है, उसका यूज़ करना है। इस समय काल में अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी तो साथ ही साथ शत्रुओं की पराजय का सुख भी आपको मिलेगा और हो सकता है शत्रुओं से धन लाभ या उनकी संपत्ति का लाभ मिल जाए, अर्थात कोई कोर्ट केस आप जीत जाएँ जिससे कि उनकी संपत्ति का अधिकार या कस्टडी आपको मिल जाए। जो भी रिलेशनशिप में है
वो अपने पार्टनर के साथ में घूमना फिरना या अच्छी शॉपिंग करने का लाभ आपको मिल सकता है। आप अपने काम में, अपनी वर्किंग स्टाइल में सुधार करने का प्रयास करेंगे। नई योजनाओं से, नई प्लानिंग से आपको साथ में सक्सेस भी मिलेगी तो गेन भी मिलेगा। आगे बढ़ने की योग्यता, प्रबंध कला में सुधार जैसे शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। आपके मान सम्मान में वृद्धि भी होगी और आपको मनचाही सक्सेस भी मिल सकती है। आप द्वारा कोई सोशल कॉज या सोशल लाइफ के कोई काम हो सकते हैं, सोशल स्टाइल के कुछ काम हो सकते हैं जिससे भी आपकी प्रशंसा होगी। स्पिरिचुअल लाइन में भी आप कुछ न कुछ एक्टिव रहेंगे, आगे आएंगे जिससे भी आपकी प्रशंसा होगी, जिससे भी आपका नाम होगा, आपकी रेपुटेशन बढ़ेगी, आपका सर्कल बहुत इंप्रूव करेगा। आपके फादर के जो स्वास्थ्य है उसमें कुछ न कुछ गिरावट से आपका मन अशांत रह सकता है। उनका सिर्फ ख्याल रखा जाए तो उनका सुधार जल्द देखने को मिल सकता है। वृश्चिक राशि के जो भी जातक हैं उनके लिए बुध की स्थिति फायदेमंद साबित होगी, अर्थात ये जो गोचर है वो पॉजिटिव है। आइए बात करते हैं धनु राशि के बारे में। आपकी राशि से नाइन्थ हाउस में गोचर पॉजिटिव फल नहीं देगा। नाइन्थ हाउस से धार्मिक मान्यताएँ, लंबी यात्राएं, धार्मिक के साथ में तीर्थ यात्राएं, बृहस्पति या ये बोल सकते हैं गुरु या गुरु तुल्य लोग, जो भी आपके गुरुजी हैं, जो भी आपके टीचर हैं, समाज में मान सम्मान आदि के बारे में जाना जाता है। इस गोचर से खेद, पीड़ा, हर कार्य में विघ्न या बाधाएं आएंगी। धन और मान की भी हानि होगी। संबंधियों तथा भाइयों से भी वैमनस्य रहेगा, मन मुटाव रहेगा। इस समय काल में आप हो सकता है राइटिंग या मीडिया वर्ग या हायर एजुकेशन वाले जो भी लोग हैं वो अधिक इंटरेस्ट में रह सकते हैं, अर्थात या तो लिखने पढ़ने में ध्यान जा सकता है या कोई न कोई मीडिया कर्म में, एंकरिंग में, और या आपकी हायर एजुकेशन में इंटरेस्ट रह सकता है। हेल्थ में आपको स्किन प्रॉब्लम्स, एसिडिटी, वेवरिंग थॉट और फिजिकल स्ट्रेंथ में कमी जैसी स्थितियाँ आपको परेशान कर सकती है, बेचैन कर सकती है। ठीक, यदि आप मैरिड हैं तो इस गोचर के दौरान अपने जीवन साथी के साथ में हर क्षेत्र में आपको सहयोग मिलेगा। धर्म की बातों में आप विवाद करेंगे, उसमें कमियां ढूंढेंगे, धार्मिक ग्रंथों का आप खंडन कर सकते हैं, इससे आपको बचना चाहिए, क्योंकि जो परंपराएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं वो सम्मान करने के लिए हैं, बदनाम करने के लिए या उनमें कमियाँ निकालने के लिए नहीं है। आप ऐसा करके सिर्फ अपनी बदनामी ही करा सकते हैं, अपने लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं। ठीक, मेरी सलाह है कि आप ऐसे कामों से बचें। जो काफ़ी समय से बेरोजगार हैं उन्हें इस समय में नौकरी मिल सकती है, रोजगार मिल सकता है। बिजनेस में ऑब्स्टिकल्स आएंगे, कोई न कोई आपकी रेपुटेशन के ऊपर कोई प्रॉब्लम आ सकती है, आपके वो झूठे इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, लेकिन आपको अपना ध्यान प्रोडक्टिव गतिविधियों में ही रखना है। अपने जो भी काम है, जो भी प्लानिंग है, उसमें मेहनत ज़्यादा करनी है, एफर्ट ज़्यादा करने हैं ताकि आपको सक्सेस मिले। कुछ लोग आपको अनसक्सेस करने के लिए धोखा देने जैसी स्थिति में आएंगे, लेकिन आपको सावधान रहना है। कुछ यात्राएं हो सकती है जिनकी ज़रूरत नहीं होगी तो भी वो यात्राएं आप करेंगे और सिर्फ अपना एक्सपेंसेज ही बढ़ाएंगे, पैसा खर्ची करेंगे, टाइम भी वेस्ट होगा। इन सिचुएशन के लिए उपाय क्या करें? हरे जो मूंग होते हैं, साबुत मूंग, वो आप और या हरे फल, हरी वस्तुओं का दान आपको हर बुधवार को करना चाहिए। अर्थात या तो हरे मूंग कर सकते हैं, हरे फल कर सकते हैं, हरी सब्जियां कर सकते हैं या हरा चारा जानवरों को डाल सकते हैं, ये आप कर सकते हैं, इससे आपको राहत मिलेगी। आइए अब बात करते हैं मकर राशि की। बुध का आपकी राशि से एट्थ हाउस में गोचर आपके लिए पॉजिटिव है, आपके लिए शुभ है। एट्थ हाउस से वैदिक ज्योतिष में काफ़ी रहस्यमय माना गया है, अर्थात एट्थ हाउस को काफ़ी ज़्यादा जिसको बोलते हैं ना सिक्स सेंस इंट्यूशन के लिए जाना जाता है, रहस्यमय कार्यों के लिए, जासूसी के लिए या कुछ छुपी हुई चीज़ की जानकारी के लिए एट्थ हाउस को देखा जाता है, एट्थ हाउस से काम लिया जाता है। इसके द्वारा जीवन में आने वाले बड़े बदलाव, आध्यात्मिकता, जीवन का संघर्ष और रुकावटें, अनएक्सपेक्टेड गेन, अनएक्सपेक्टेड लॉसेज, ससुराल पक्ष आदि के बारे में जाना जाता है। नए घर की प्राप्ति या जो भी आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिलेगी, वसीयत में मिलेगा, उसके बारे में भी आपको इसी भाव से जाना जाता है। तो इस गोचर काल में आपको नए घर की प्राप्ति हो सकती है या उत्तराधिकार में आपको संपत्ति मिल सकती है। धन का लाभ तथा पुत्र की भी उन्नति होगी। आपके परिवार में विशेषकर पुत्र द्वारा आनंद और सामाजिक और आर्थिक विकास होगा, अर्थात आपकी संतान के सक्सेस होने से, उसके सेटल होने से आपका भी विकास होगा, आपकी प्रशंसा होगी। संभव है यह अवसर घर में शिशु के जन्म अवसर के रूप में या पुत्र प्राप्ति के रूप में हो सकता है। इस समय काल में निरंतर सत्रों पर विजय प्राप्त होगी।
अर्थात जो कुछ भी आपके कंप्यूटेटर्स हैं, जो कुछ भी आपसे द्वेष ईर्ष्या रखते हैं, वो लोग भी इस समय काल में शांत हो जाएंगे। आपकी कोई न कोई प्लानिंग उनको भी शांत कर देगी। हर कार्य में सक्सेस और साथ में प्रसन्नता आपकी बढ़ती रहेगी। आर्थिक और सामाजिक स्थिति आपकी ऊंची रहेगी। लाइफ स्टाइल में आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। और विवाहित जातकों को इस समय अपने जीवन साथी से बिना मतलब या जो भी बहसबाजी है उससे बचना चाहिए, और यूँ भी जीवन साथी के साथ में कोई बहस करनी ही नहीं चाहिए। अर्थात बॉस इज ऑलवेज राइट वाला सिद्धांत अपनाइए, आपके घर में एकदम गंगा बहेगी। जीवन साथी के साथ में होने वाले अनायास मतभेद आपके मानसिक तनाव का कारण बन सकते हैं। अर्थात जो कॉज है, कॉज का रिजल्ट भी मैंने आपको बता दिया है। आपकी रुचि इस गोचर काल में अर्थात टाइम पीरियड में आर्थिक अनुष्ठानों और ज्योतिष शास्त्र को जानने में रह सकती है। यहाँ पे आर्थिक का अर्थ आध्यात्मिक है, आध्यात्मिक अनुष्ठानों और ज्योतिष शास्त्र को जानने में हो सकती है। ठीक, नई नौकरी की प्राप्ति आपको हो सकती है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी उन्नति मिलेगी। आपका हुनर, आपका जो वर्किंग प्लेटफॉर्म है, आपकी काबिलियत और आपकी बुद्धि, इन सब में वृद्धि होगी, इन सब में इम्प्रूवमेंट आएगा और आप खुशहाल होंगे। जो भी आपके ऑफिसर्स हैं, जो भी आपके अधिकारी हैं, वो भी आपको सपोर्ट करेंगे, उनसे भी आपको अनुकूलता मिलेगी और आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। बिजनेस में उत्साह होगा, एनर्जेटिक बन जाएंगे, हाई लेवल का इम्प्रूवमेंट आपको दिखाई देगा। लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही है उनका समाधान में आपको मिल जाएगा, और साथ साथ फाइनेंस और प्रॉपर्टी के मामले में उनके लेन देन में भी आपको गेन होना पॉसिबल है। कई रिसोर्सेज से आपको फाइनेंशियल गेन होगा, और हो सकता है सट्टे में भी लाभ हो जाता है, स्पेकुलेशन में भी लाभ हो जाए। तो मेरे कहने का अर्थ यहाँ पर ये नहीं है कि आप सट्टा नहीं करते हो, स्पेकुलेशन नहीं हो तो आप स्पेकुलेशन में जम जाएं, ये कहने का उद्देश्य नहीं है। यदि आप ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, आप इस प्रोफेशन में या साइड में ये काम करते हैं, तो आपको ये एफर्ट करना है, वरना सट्टे में या कमोडिटी में जहाँ तक हो आप अवॉइड करें। इस समय में आप जमकर शॉपिंग करेंगे, और हो सकता है तीर्थ यात्राएं या बिजनेस टूर भी हो सकते हैं। आइए बात करते हैं कुंभ राशि की। आपकी राशि से बुध सेवंथ हाउस में आना अशुभ है, नेगेटिव है। सेवंथ हाउस से आपका जीवन साथी, आपका व्यावसायिक साझेदार, आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस, आपकी समाज में छवि, इन सब के बारे में सब सेवंथ हाउस से पता चलता है। अतः ये सब जानना हो तो सेवंथ हाउस को देखना ही पड़ेगा। इस गोचर काल के दौरान आपको विशेष रूप से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके साथ में इस दौरान कोई ऐसी घटना घट सकती है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो, लिहाजा इस दौरान आपको बहुत ही चौकन्ना रहना है, बहुत ही सेफ रहना है, और जहाँ तक हो सके अनजान लोगों से अनजान जगह पर नहीं मिलना है। लगातार झगड़े संबंधियों और मित्रों के साथ में, फ्रेंड्स के साथ गलतफहमी, अनबन, कोई भी निकट संबंधी उनसे बहस या विवाद, इन सब के कारण समस्याएं तूल पकड़ जाएगी। अर्थात छोटी सी बात बहुत बड़ी बन सकती है और आपको इंसल्ट महसूस होगी, आपको अपमान सहन करना पड़ेगा। यदि कुछ नेगेटिव करेंगे या बहसबाजी करेंगे, कुछ न कुछ अपशब्द बोलेंगे, तो वापस रिपीट में जो आपको मिलेगा वो अपमान ही मिलेगा, फूलों का हार आपको नहीं मिल सकता है। ऐसे ही समय में अर्थात इसी गोचर काल में स्किन रोग के साथ साथ में दूसरे अन्य जो डिजीज हैं वो भी आपकी हेल्थ पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। चिंताओं से परेशान रहेंगे, शरीर भी दुखी या ये बोल सकते हैं वीक हो जाएगा, और हमेशा शरीर में दर्द रहेगा। फाइनेंशियली वीक अर्थात धन की कमी और पारिवारिक अशांति से व्यक्ति दुखी रह जाता है, और यूँ भी हर व्यक्ति अपने घर में ही जाकर के सुखी महसूस करता है। सारा दिन वो काम करता है, सारा दिन वो एफर्ट करता है, और अंत में शाम के समय, रात के समय वापस घर जाता है ताकि वो अपने परिवार के साथ में सुख से रह सके। तो जब परिवार में अशांति है तो व्यक्ति वास्तव में दुखी ही रहेगा। यदि आप विवाहित हैं तो जीवन साथी के साथ में कोई बात को लेकर विवाद हो सकता है, लिहाजा वैवाहिक सुख में शांति बनाए रखने के लिए मतभेदों को आपने किनारे करना है। प्रेम सौहार्द की भावना आपको बनाए रखनी है। समटाइम आप एडजस्टमेंट करिए, समटाइम आप कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, क्योंकि इसी से ज़िंदगी चलेगी। और जहाँ तक हो बोल करके संबंध मत बिगाड़िए, अवॉइड कर दीजिए, आज की बात कल करेंगे, आप इस चीज़ पे चले जाइए। ये एक सबसे अच्छा मेथड है कि उस समय को आपने सिर्फ और सिर्फ उस समय शांत रह जाना है। और एक सिद्धांत और काम लीजिए कि जब भी आपको गुस्सा आता है वो समय, उस समय, उस स्थान को छोड़ करके चले जाइए। अर्थात आपको घर में प्रॉब्लम हो रही है, बिना फालतू की बहस हो रही है आपकी वाइफ के साथ में, फादर के साथ में, बच्चों के साथ में, उसी समय आप 5-10 मिनट के लिए कहीं पर भी
चाहे आसपास में हो, चाहे गाड़ी लेकर के चले जाएं, चाहे सामने गार्डन हो, वहाँ 5 मिनट घूम के आ जाएं, जो ही आप वहाँ से जाएंगे वो बात वहीं छूट जाएगी, वहीं दब जाएगी। ये सिद्धांत है, आप अपने जीवन में काम में लेकर के देखिए, शायद आपकी प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाए और इससे बहुत ज़्यादा फायदा भी होगा। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अनसक्सेस ज़्यादा मिलेगी, गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ से भी कोई उनको पनिशमेंट या जो सो को नोटिस है वो मिल सकता है, फाइनेंशियली लॉसेज की संभावना ज़्यादा है। जो बिजनेस से जुड़े हैं उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोई भी डीलिंग में, एग्रीमेंट में, कोई चीज़ की डिलीवरी देने में, क्योंकि यहाँ पर नुकसान का योग है। हो सकता है जो आपने कमिटमेंट किया है वो आप भरपाई भी कर दें, फिर भी जो टाइम का नुकसान है वो नुकसान आपको सबसे बड़ा होगा, सबसे बड़ा ज़्यादा नुकसान पीड़ा देगा। यदि कोई बिजनेस आप कर रहे हैं और उसमें पार्टनरशिप है तो उन पर भरोसा करना आपके लिए बहुत नुकसानदेह हो जाएगा। आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के आप बात कीजिए, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लीजिए। ठीक, बहुत सालों से मेरे पार्टनर हैं, एकदम भाई बराबर है, या मेरे फ्रेंड ही नहीं, मैं तो बहुत पारिवारिक संबंध है, वो सब सोचने की जगह जहाँ पर बिजनेस करते हैं वहाँ बिजनेस की बातें कीजिए, वहाँ पर रिश्तेदारी मत ढूंढिए। यात्रा और व्यवसाय में लाभ नहीं होगा, यात्राओं में भी नुकसान हो सकता है या बहुत अधिक परेशानी हो सकती है। यह जो सामान्य ये गोचर है वो सिर्फ सामान्य परिणाम दे सकता है, ज़्यादातर आपको प्रॉब्लम्स ही महसूस होगी। इसलिए इन 14 दिनों को आपने बहुत ही सावधानी से अपनी बुद्धि बल को यूज़ करते हुए आपने निकालने हैं। उपाय क्या करेंगे बुद्धि बल को बढ़ाने के लिए और फाइनेंशियल गेन के लिए, आप पन्ना जड़ित अर्थात एमरल्ड के साथ में बुद्ध यंत्र का एक लॉकेट बनाइए, वो पहन लीजिए। जो भी पूजा पाठ है, जो भी आपके स्थानीय पंडित हैं उनसे आप करवा सकते हैं, उनसे यंत्र वगैरह लॉकेट खरीद सकते हैं, या आपको आसपास कहीं नहीं मिलता है तो अंत में आप हमसे संपर्क कीजिएगा, तो हम जरूर आपकी हेल्प करेंगे। आइए आखिरी राशि की बात करें, मीन राशि। आपकी राशि से 6th हाउस अर्थात छठे भाव में बुध का गोचर बहुत पॉजिटिव है, बहुत शुभ है। इस भाव के द्वारा अर्थात 6th हाउस के द्वारा हम अपने विरोधी, अपने शत्रु, हमारा संघर्ष, स्ट्रगल, हमारी क्षमता, कैपेसिटी, हमारी जॉब, डिजीज, कंपटीशन, एग्जाम, बैंक लोन और हमारे मेटरनल्स, इन सब के बारे में जान सकते हैं। इस गोचर काल से आपको खुशहाली, आनंद, मानसिक शांति और सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आर्थिक स्तर में आपका सुधार होगा और शानदार शॉपिंग होगी, अर्थात एक्सपेंसेस आपके बहुत ज़्यादा होंगे, अर्थात जो टाइम आपने पहले देखा है वो टाइम के कंपैरिजन में ये टाइम आपको गेन भी बहुत देगा और आप उस गेन का यूज़ शॉपिंग में, अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारने में करेंगे। जो फैमिली लाइफ है इस दौरान आपकी स्ट्रेस में हो सकती है, पैतृक संपत्ति को लेकर के, किसी प्रॉपर्टी को लेकर के भाई बहनों में, पारिवारिक सदस्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो सकता है, और इस सिचुएशन से निपटने के लिए आपको अपनी वाणी पर संयम रखना है, शांति से काम लेना है। जैसा कि मैंने एक और राशि के बारे में बोला है कि जब गुस्सा आता है तो उस स्थान को छोड़ करके निकल जाइए। एक और यहाँ पे प्रिंसिपल काम लीजिए कि कभी अपनी डिज़ाइन मत बताइए। जब भी परिवार में या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी आर्ग्यूमेंट होते हैं तब बार बार एक ही चीज़ बोली जाती है दूसरों के द्वारा कि आप क्या चाहते हैं, तो आप अपनी बात कभी भी मत खोलिए कि आप जो करना चाहते हैं पहले आप बता दीजिए कि आप क्या चाहते हैं, या आप क्या देना चाहते हैं, आप क्या सेटलमेंट चाहते हैं वो बता दीजिए, फिर मैं सोच के जवाब दे दूंगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जो आपको हमेशा खतरे से, लॉसेस से बचाएगा। जो आपकी इच्छा है, जो आपके अंदर का भाव है, जो आपकी प्लानिंग है, जो स्ट्रेटेजी है, उसको मत ओपन कीजिए कभी भी, क्योंकि परिवार में हमेशा यही होता है कि जो व्यक्ति गुस्सेल है उसको कोई ना कोई ऐसा शब्द बोला जाता है कि वो व्यक्ति उछल करके अपनी सारी बातें बोल देता है, और या फिर जो इमोशनल ज़्यादा है वो अपनी सारी बातें बहुत जल्दी बोल सकता है, उसको सिर्फ चने के झाड़ पर चढ़ाने की जरूरत होती है। तो ये प्रैक्टिकल ज्ञान है, ये एक्सपीरियंस है जो आपके ज़िंदगी में बहुत काम आएगा। इसी गोचर काल में उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन, संपन्नता, बेहतर स्वामित्व अर्थात जो आपका होल्ड है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी साहित्य पुस्तकें या कोई ना कोई ऐसी चीज़ें पढ़ने का मौका मिलेगा जिससे आपका टाइम मैनेजमेंट, जिससे आपकी प्लानिंग, जिससे आपके अंदर की सीक्रेट बाहर निकल सके, अर्थात आपके अंदर क्या खूबियाँ हैं ये आप जान पाएँ। अच्छे स्वास्थ्य के साथ ही साथ आपको जो आपके कंप्यूटर्स हैं, जो आप शत्रु हैं, चाहे वो आपके परिवार वाले ही शत्रु हैं, उन पर भी आप विजय प्राप्त कर लेंगे, उनको कंट्रोल कर लेंगे। अच्छी शारीरिक और मानसिक सुख, स्ट्रेंथ आपको प्राप्त होने वाली है, उसका आप एंजॉय कीजिए। यदि आप विवाहित हैं तो इस गोचर काल के दौरान आपको अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना होगा।
यह गोचर की अवधि आपकी लाइफ पार्टनर के लिए, जो आपका पति है या पत्नी है, उनकी सेहत के लिए ये टाइम पीरियड ठीक नहीं है, इसलिए लिया जा, उनका आपको विशेष ख्याल रखना है, उनकी केयर करनी है। जहाँ तक आपके ऑफिस का सवाल है, इस टाइम पीरियड में आप अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रह जाएंगे, आपको अपनी मेहनत का पूर्ण फल प्राप्त होगा, सक्सेस आपको प्राप्त होगी और हो सकता है प्रमोशन की भी संभावना है। सभी लोग जो भी आपके साथ में काम करते हैं, कुलीग्स हैं या आपके ऑफिसर्स हैं, वो आपका मान सम्मान करेंगे, आपकी लोकप्रियता पॉपुलरिटी आपकी बढ़ जाएगी और आपको अच्छा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाएगा, अर्थात ऑफिस में आपकी स्ट्रेंथ एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की, बुद्धिमान व्यक्ति की समझी जाएगी। दूसरों के साथ निपुणता और दक्षता की प्रशंसा जैसे आपको शुभ फल मिलेंगे। इसी टाइम पीरियड में आप अच्छे संगीत का, अच्छी लेखन का, और इसके साथ साथ में आपको यदि गाने का शौक है, आपकी हॉबी है, तो उसमें भी आपको प्रसिद्धि मिल सकती है। यदि आप कहीं एफर्ट करना चाहते हैं, कोई कंपटीशन में जाना चाहते हैं, ठीक है, कोई ऐसी ट्रिप में जाना चाहते हैं, तब भी आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बुध के इस गोचर की अवधि के दौरान आपके लिए विशेष रूप से ट्रैफिक के नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना आप कानूनी पचड़ों में पड़ करके अपना वक्त और पैसा दोनों बर्बाद कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करें, बुध ग्रह की शांति के लिए उपाय क्या क्या कर सकते हैं? जिन जिन व्यक्तियों को, जिन जिन जातकों को, जिन जिन राशि को मैंने नेगेटिव इम्पैक्ट बताया है, वो लोग बुध के शुभ फल प्राप्त करने के लिए बुध का आपकी कुंडली में अच्छा होना जरूरी है या उसकी अवस्था देखना जरूरी है। ठीक, यदि अगर बुध आपकी कुंडली में अच्छी स्थिति में नहीं है, तो आप बुध ग्रह की शांति के लिए बुधवार के दिन बुध के नक्षत्रों, अश्लेषा नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, रेवती नक्षत्र को बुध की होरा में बुध ग्रह से संबंधित वस्तुओं का दान कर सकते हैं। यह दान सुबह या शाम के वक्त किया जा सकता है। बुध के बुरे प्रभावों से बचने के लिए कई ज्योतिषी जातक को हरा पन्ना या चार मुखी रुद्राक्ष धारण करने की सलाह, बुध यंत्र की स्थापना करने की सलाह देते हैं। आपको ऐसी सलाह मानने से पहले उन ज्योतिषी महोदय से डिस्कस करना जरूरी है, क्योंकि उनसे मिलना जरूरी है। हर बुधवार को हरी वस्तुओं का दान करना आपके लिए ठीक रहेगा, शुभ रहेगा। विष्णु की पूजा उपासना करना आपके लिए शुभ है। गणपति की पूजा उपासना करना भी बुध के लिए सबसे ज़्यादा राहत का उपाय माना जाता है। जिस राशि में बुध अशुभ प्रभाव दे रहा है, वे व्यक्ति गौशाला में या कहीं भी जानवर दिखे, गाय दिख जाए, उनको हरा चाला खिलाएं। जो आपके घर की कन्याएं हैं, जो परिवार की कन्याएं हैं, उनको भोजन करवाएं और किसी एस्ट्रोलॉजर को अपनी कुंडली दिखा करके पन्ना पहन सकते हैं। तो आज बस इतना ही। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में सिर्फ नाइस या आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा बता रहे हैं, ये सब तारीफों के अलावा मैं चाहता हूँ आप ऐसी गाइडलाइन दें, आप ऐसा सब्जेक्ट बताएं जिसके ऊपर हम मेहनत करके आपको वो एपिसोड बना करके दिखला सकें। आप मेरा मंतव्य समझ गए होंगे कि नए नए विषयों के बारे में जब हमको जानकारी होगी कि समाज में किस बात की जिज्ञासा है, वो क्या चाहते हैं, तो हम भी एफर्ट करके आपको आपकी जिंदगी के मार्ग प्रदर्शन करने का, राह दिखाने का काम आसानी से कर पाएंगे। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना और अपने बच्चों का, बुजुर्गों का ख्याल रखिए। आप जीवन में हर क्षेत्र में सफल होते चले जाएं, ऐसी शुभकामनाओं के साथ में आज्ञा दीजिए। नमस्कार।